नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय चुनाव की बयार बह रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गोवा हो, फिर या और कोई राज्य, हर तरफ चुनाव की चर्चा चल रही है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर खासी चर्चा चल रही है। ऐसे में एक नाम बहुत तेजी से बहुत ऊपर उभर कर आया है, वह है अभय कुमार शर्मा का। जी हाँ, अभय कुमार शर्मा में सारे राजनेता समाये हुए हैं, सभी की बातें करते हैं वो और सभी के सवालों का जवाब भी देते हैं। जी हाँ, हम जुड़ रहे हैं पॉपुलर कॉमेडियन अभय कुमार शर्मा से, जो प्रसिद्ध मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम। क्या बात है अभय जी, क्योंकि इस समय चुनाव की बयार चल रही है और हर तरफ चाहे योगी जी की बात हो, चाहे अखिलेश यादव की बात हो, और बैकग्राउंड में चाहे लालू जी की बात हो, चाहे नीतीश जी की बात हो, हर तरफ चुनावी चर्चाएं हो रही हैं, बयान पे बयान आ रहे हैं। और इस बीच वह शख्स जो अकेले सभी लोगों के बयान दे रहा है, वह आप हैं अभय जी। जी प्यार है सभी का। क्या बात है अभय जी, जो तमाम तरीके के बयान और आवाजें निकाल के आप बिल्कुल हूबहू उतार देते हैं, ये सब सुनेंगे आपसे हम, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी चर्चा आपसे इस बात की करते हैं कि राजनीति में और इस तरह के व्यक्तित्व, राजनेताओं के व्यक्तित्व और उनकी आवाज को निकालने का ख्याल मन में कब आया? जी ये मैं BHU में जब पहुंचा और वहां पर तमाम नेताओं की मिमिक्री और बहुत सारी चीजें, पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट रहा हूं, तो मैंने बातों को समझा तो ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो वहीं पे यूथ फेस्टिवल्स में मिमिक्री करने का मुझे ख्याल आया और वहां से फिर मैंने ये शुरू किया और लगा कि नहीं कुछ कर सकते हैं तो बस यही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला सवाल मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने जा रहा हूं, भले ही उसका जवाब अभय जी देंगे, लेकिन सभी दर्शक जानते हैं कि जब अभय जी बोलते हैं तो उनकी वाणी में योगी पूरी तरीके से नजर आते हैं, सुनाई पड़ते हैं। अभय जी आपसे पहला सवाल है कि चूंकि आप 5 साल सरकार चला चुके हैं, अब दर्शकों को बता देता हूं कि यह सवाल काल्पनिक है और काल्पनिक रूप से मेरे सामने योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, क्योंकि मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, पॉपुलर कॉमेडियन हैं, सब लोग समझ जाएं कि सवाल किस अंदाज में हो रहा है और जवाब भी किस अंदाज में मिलेगा। तो अभय जी आपसे तो सवाल है, यह है कि योगी आदित्यनाथ 5 साल तक सरकार चला चुके हैं, दोबारा फिर जनता के बीच में जा रहे हैं, आखिर जनता दोबारा आपको क्यों चुने? जी अभय जी, बतौर योगी जी। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति, कोरोना काल का प्रबंधन, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे जो कुछ भी हो, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता को हाल फिलहाल में टैबलेट वितरण का भी कार्य किया है और उत्तर प्रदेश से अपराधियों को समाप्त करने के दिशा में, अपराध को कम करने के दिशा में लगातार कार्य किया है, जिससे कानून व्यवस्था बनी है और आज उत्तर प्रदेश का आम आदमी बिना डरे अपना जीवन यापन करने में सक्षम है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की यानी मेरे नेतृत्व में सरकार बने। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वाकई काबिल तारीफ है आपकी यह कला। जवाब दीजिए अखिलेश यादव जी, योगी जी ने बताया है कि अपराध मुक्त राज्य हो गया है, विकास की गंगा बह रही है, क्या कहेंगे आप? क्या कार्य किया है इन्होंने और ये क्या कह रहे हैं? इनके मंत्री ने, इनके सरकार में किसानों के छाती पर गाड़ी चढ़ाई है, अपराधियों के तुष्टीकरण की बात करें, संविधान को इन्होंने ताक पर रखा है, किसानों का इन्होंने बकाया तक नहीं दिया है और ये हमारे बनाए हुए परियोजनाओं का उद्घाटन करके अपना पीठ थपथपा रहे हैं। कोरोना में गंगा में लाशें बह रही थी, उनकी इन्होंने परवाह नहीं की, लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, दवाई के बिना मर गए और ये कह रहे हमने सरकार चलाई है। ऐसी कोई सरकार नहीं चलाई है और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने 22 में 22 को चुनने का निर्णय कर लिया है और ये आपको
मार्च 10 भाजपा बस। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया अभय जी, वाह क्या बात है, अद्भुत है आपकी यह कला। अभय जी जो पूरा आप मतलब आपकी जो वाणी निकलती है बाहर इतनी सटीक कैसे हो जाती है, क्या कला है ये, कुछ बताइए इसके बारे में भी। सर कोई कला नहीं है, बस उन नेताओं की मेहरबानी है कि वो ऐसी शैली में बोलते हैं और मैं बस थोड़ी सी कोशिश करता हूं और दर्शकों और श्रोताओं के द्वारा बढ़ाया गया मनोबल है बस। वाह क्या बात है, दर्शकों के मनोबल से आपके अंदर ये अद्भुत कला आ गई है कि बिल्कुल हूबहू आप लेके आते हैं वाणी ऐसी कि लगता है कि अगर कान खुले रखें और आंख बंद कर लें तो लगेगा ही नहीं कि कोई मतलब योगी या अखिलेश नहीं बोल रहे हैं। वाह क्या बात है भाई जी, तो मैं चाहूंगा योगी और अखिलेश के आपस में जो जवाब और सवाल रहे उसके बाद हम आते हैं, सीधे सीधे चलते हैं आपकी इस कला को समझने के लिए, दर्शकों को सुनाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं लालू जी की। लालू जी का जो अंदाज है वो बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है। थोड़ा लालू जी की वाणी निकालिए और दर्शकों को उसका आनंद दिलाइए। अभय जी यूपी में इलेक्शन में किस तरह से पूरा भाजपा का लोग पूरा उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया है 5 साल में, और इसलिए अखिलेश इज फाइटिंग देयर, अखिलेश लड़ रहे हैं तो ईवीएम के ऊपर के नीला बटन को दबाना है, दबाएंगे तो बोलेगा टिंग, माने मशीन बोलेगा कि तोहार वोट हो गई, अब हमार जान थोड़ा घरे जा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप नीतीश जी को भी बहुत अच्छा कॉपी करते हैं, उनको भी लालू के बाद नंबर उनका आता है, उनको भी सुनाएं। भाई इस चुनाव में तो रह गया लेकिन पूर्वांचल में हमारी भी पकड़ है, कुर्मी वोटों पर विशेष रूप से। अगली बार से हम भी जरूर मैदान में आएंगे, और अब बिहार का मुख्यमंत्री बन लिए, एक बार यूपी में भी अगर कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई अभय जी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा क्योंकि एक माहौल बना हुआ है तो मैं चाहूंगा कि राजनाथ सिंह को भी लेकर आए सामने आप। बिल्कुल अभय जी, निश्चित तौर पर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भी, चाहे डिफेंस एक्सपो की बात हो, चाहे जैसे भी कार्य जो भी हो, उत्तर प्रदेश में लगातार होते रहे हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने काफी कुछ करने के लिए अवसर दिया है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनेगी निश्चित रूप से। क्या बात है, अद्भुत। तमाम राजनेताओं की आवाज सुनने के बाद अंत में हम जो सबसे बड़ा धमाका करने जा रहे हैं वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज का। अभय जी पीएम मोदी जी की आवाज लेकर आए सामने। जी अभय जी, मेरे प्यारे देशवासियों, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के भलाई के लिए कार्य किया है। हाल फिलहाल में चाहे ही श्रम कार्ड बनाने की बात हो, चाहे वृद्ध विकलांग विधवा के पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे युवाओं को टैबलेट देने की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, लगातार हमने अच्छे कार्य किए हैं। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं तो उत्तर प्रदेश में काम दमदार योगी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, बहुत शानदार मिमिक्री आपकी, अद्भुत कला है, ईश्वर ने दी है, आपने हमसे बातचीत की, अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।